हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं न्यूट्रीला आलू की दो प्याजा सब्जी। इसके लिए हमने न्यूट्रीला को पहले पानी में भिगो दिया है। आप चाहे तो गर्म पानी में इसको डालिए और तुरंत डाल के निकाल लीजिए, नहीं तो आप ठंडे पानी में भी इस तरह भिगो सकते हैं। अब पहले हम सबसे पहले इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने गैस पे कुकर रख दिया है। आप चाहें तो किसी और बर्तन में कर सकते हैं। और इसमें हम तेल डाल देंगे कुकर में। कुकर में हमने तेल डाल दिया है सरसों का। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं इसमें। और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, नहीं तो न्यूट्रीला जो है नीचे से चिपक जाएगा फ्राई करने में। तेल गर्म हो गया है, अब हम न्यूट्रीला से पानी निचोड़ लेंगे और इसको फ्राई होने के लिए। इसको हम चलाते रहेंगे। नीचे से चिपकने लगता है। आप चाहे तो दूसरे बर्तन में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही बर्तन में करेंगे, हम दूसरा बर्तन नहीं इस्तेमाल करेंगे। बस हमें इतना ही फ्राई करना है, इससे अधिक नहीं करना है, नहीं तो बहुत क्रिस्प करने से होता ये है कि सब्जी आपकी सॉफ्ट नहीं बनती है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने न्यूट्रीला निकाल लिया है। अब कुकर फिर हम रख देंगे और इसमें हम तेल डाल देंगे फिर से। ये हम आलू न्यूट्रीला की दो प्याजा सब्जी बना रहे हैं, इसमें हम आलू भी ऐड करेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम तड़के में डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमें इसी से ग्रेवी बनानी है। अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं, अभी हमें इसे ज़रा सा फ्राई करना है। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर डालेंगे, सूखे मसाले, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च। मसालों को और नमक साथ के साथ डाल देंगे क्योंकि प्याज को थोड़ा गलने में प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम कूटे हुए गरम मसाले भी इसमें डाल देंगे और इसे एक बार मिक्स कर देंगे और इसे हम ढक के 1 मिनट तक पकने देंगे प्याज के गलने तक। एक बार हम मसाले को और मिक्स करके देख लेते हैं। अभी हमें इसे 1 मिनट और पकाना है। इसमें हम आलू डाल देते हैं। आलू आप अपने हिसाब से डालें, लेकिन अगर आप न्यूट्रीला की सब्जी बना रहे हैं तो आलू आप उसमें ऐड जरूर कर दें। अभी 1 मिनट हम और इसे पका लेंगे। चाहे तो आप आलू फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने फ्राई नहीं किया है। आधा चम्मच कसूरी मेथी भी डाल देंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो ना डालें, फ्लेवर अच्छा आ जाता है इसका। 1 मिनट और हम इसे ढक के पका लेंगे। 1 मिनट हो गया है, आलू हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम न्यूट्रीला भी डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए सब्जियां और खाने में बहुत सूखा सूखा ना लगे। जब आप तो आप दो प्याजा कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अभी इसमें हम 2-3 सीटी लगा देंगे, सब्जी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। कुकर को हमने बंद कर दिया है, अभी से हम 2-3 सीटी आने तक पका लेंगे। सब्जी हमारी बन गई है। अब गैस हम बंद कर देते हैं और प्रेशर निकलने देते हैं। सब्जी का प्रेशर निकल गया है,
सब्जी हमारी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। इसे हम धनिया के पत्ते डाल देते हैं। आप इसे रोटी से, पूरी, पराठा या चावल से भी खा सकते हैं। आलू न्यूट्री की सब्जी जो है बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। तो प्याजा, आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आई होगी तो एक बार इसे बना के ट्राई ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।